बॉक्स यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है सलमान रश इज़ स्टार्ट ऑन स्टेज 33 थ्री ईयर्स आफ्टर फतवा इन न्यूयॉर्क हॉस्पिटल ये न्यूज़ हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये न्यूज़ बहुत बार रिपीट हुई है सलमान रश एक ऑथर है और इन्होंने एक बुक लिखी थी द सैटेनिक वर्सेस जिस बुक में मोहम्मद प्रॉफिट का सेटारिकल पोर्ट्रेल किया गया था उसके बाद ईरानियन लीडर ने इनकी अगेंस्ट फतवा जारी किया था और तेतरस साल उस फतवे के बाद सलमान रश्दी को स्टैप कर दिया गया है न्यूयॉर्क में ये बेसिकली लेक्चर देने गए थे नेक्स्ट है ईजिंग इन्फ्लेशन रॉबर्स इंडस्ट्रियल आउटपुट सिग्नल्स अपटेक इन ग्रोथ तो इन्फ्लेशन जुलाई मंथली रहा है सिक्स पॉइंट सेवन वन परसेंट आर बी आई को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है टू से सिक्स परसेंट के बीच में लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी सिक्स पॉइंट सेवन वन परसेंट पर है अगर आर बी आई थ्री कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक इन्फ्लेशन को टू से सिक्स परसेंट के बीच में नहीं मेंटेन कर पाती है तो ये माना जाएगा कि आर फेल हो गया इन्फ्लेशन को मेंटेन करने में और आर को गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आर क्यों फेल हो गया इन्फ्लेशन को मेंटेन करने में तो हेल्प बाई मॉडरेशन इन फूड प्राइजेज रिटेल इन्फ्लेशन ईज टू अ फाइव मंथ लो ऑफ सिक्स लेकिन आरबीआई को जो टारगेट होता है मीडियम टर्म टारगेट इन्फ्लेशन के लिए वो होता है फोर प्लस माइनस टू दैट इज टू टू सिक्स परसेंट फूड इन्फ्लेशन यहां पर हंड्रेड बेसिस पॉइंट से कम हुआ है तो सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट प्रीवियस में लेकिन जुलाई के मंथ में रहा है और आरबीआई को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है से के बीच में तो एज पर द द मैंडेट ऑफ देंडेड पॉलिसी फ्रेमवर्क इफ द एवरेज इन्फ्लेशन रेट बीच परसेंट फॉर थ्री कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स द सेंट्रल बैंक हैव टू एक्सप्लेन टू द गवर्नमेंट कि यहां पर जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई क्यों नहीं मेंटेन कर पाया तो सेंट्रल बैंक विल हैव टू एक्सप्लेन द फॉर ब्रीच इन द इन्फ्लेशन टारगेट टू द गवर्नमेंट नेक्स्ट पॉलिसी विजिट हुई थी ताइवान में तो उसके बाद इंडिया

अब इंडिया वन चाइना पॉलिसी को मानता है लेकिन इस बार इंडिया ने उसको रीट्रीट नहीं किया तो इंडिया ने बेसिकली यही कहा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो सबको पता है और बार बार इसको रीट्रीट करने की जरूरत नहीं है तो इट डिड नॉट स्पेल आउट द वन चाइना पॉलिसी इन इंस्टिट सेट दट द गवर्नमेंट्स रेलिवेंट पॉलिसीज़ आर वेल नोन एंड कंसिस्टेंट एंड डू नॉट रिक्वायर री द प्रैक्टिस ऑफ

जो डिप्टी जैश मोहम्मद चीफ है डिप्टी चीफ है जैश मोहम्मद का तो उसको हम यू की एस सी वन टू सिक्स सेवन सेंक्शन कमेटी में डालना चाहते थे और उसको हम यहाँ पर ग्लोबल टेररिस्ट की तरह डिक्लेयर करवाना चाहते थे तो उसके लिए हमने प्रपोजल मूव किया यू ने उस प्रपोजल को को स्पॉन्सर भी किया लेकिन चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगा दी थी चाइना ने इसलिए टेक्निकल होल्ड लगा दी थी क्योंकि चाइना नहीं चाहता था कि इस्लामा बे, इस्लामाबाद बेस्ड टेररिस्ट यूएनएससी की सेंक्शंस लिस्ट में जाए इंडिया डज नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विथ वन उसके बाद भी हम यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को अडेर करते हैं विदाउट नेमिंग चाइना न्यू डेली ने बीजिंग को यही कहा है कि बेसिकली ये जो बीजिंग का रहा है टेक्निकल होल्ड लगा दे रहा है फॉर एग्जाम्पल अजर को हम यहाँ पर ग्लोबल टेररिस्ट को अनाउंस करना चाहते थे इसके अलावा इससे पहले यहां पर जो अब्दुल रहमान मक्की था उसको हम ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस करवाना चाहते थे जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि चाइना यहाँ पर टेक्निकल होल्ड लगा दे रहा है तो इंडिया विल कंटिन्यू इट्स प्रिंसिपल पोजिशन ऑफ ब्रिंगिंग दिस टेररिस्ट टू जस्टिस इंक्लूडिंग थ्रू एन एस टू सिक्स रिज्यून तो यू एन एस सी की वन टू सिक्स सेवन सेंक्शन स्ट्रेजी में जिसमें उन टेररिस्ट को डाला जाता है जो कि और उसके बाद उनको अनाउंस कर दिया जाता है कि ये ग्लोबल टेररिस्ट है ग्लोबल टेररिस्ट अगर कोई डिक्लेयर हो जाता है तो उसके सारे एसेट्स यहाँ पर फ्रीज कर दिए जाते हैं ट्रैवल बैन लग जाता है आम सिम्बारको लग जाता है तो ये कुछ इंप्लीकेशन होते है अगर हैं अगर यहाँ पर कोई ग्लोबल टेररिस्ट की तरह अनाउंस हो जाता है तो हम यहाँ पर अब्दुल रौफ अजहर को अनाउंस करवाना चाहते हैं इस ग्लोबल टेररिस्ट और इसके अलावा यहाँ पर जो उससे पहले अब्दुल रहमान मक्की उसको भी हम यहाँ पर ग्लोबल टेररिस्ट की तरह अनाउंस करवाना चाहते थे बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि चाइना बार बार यहाँ पर टेक्निकल होल्ड लगा दे रहा है अब हम चलते हैं आगे यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे नेक्स्ट डे एन्वायरमेंट मिनिस्टर लुक्स टू करब एलिफेंट डेथ्स ऑन रेलवे ट्रैक्स रिजॉल्व ह्यूमन जम्बू कंफ्लिक्ट लास्ट राउंड हुआ था 2017 में एलिफेंट्स का तो उस समय इंडिया के पास लगभग तीस हज़ार एलिफेंट्स थे और हर साल 500 लोगों की जान चली जाती है एलिफेंट के साथ कन्फ्लिक्ट में आने से और 100 एलिफेंट्स की जान चली जाती है जो कि रिटेलिएशन में मार दिए जाते हैं तो इसके लिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जरूरत है तो सरकार उसके लिए एलिफेंट कॉरिडोर्स को रिविजिट करेगी एक नया एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है तमिलनाडु में जिसका नाम है अगस्त मलाई तो अगस्त मलाई इन तमिलनाडु विल बी इंडियाज थर्टी सेकेंड एलिफेंट रिज़र्व और जो तमिलनाडु है उसका ये फिफ्थ एलिफेंट रिज़र्व होगा इंडिया हाउस अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ ऑल एशियन एलीफेंट्स और नंबर ऑफ़ एफेंट रिजर्व लास्ट एट ईयर्स में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं

तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शन ने क्या पॉइंट बताए हैं तो सबसे पहले ऑप्शन ने यह है कि हमारी डेमोक्रेसी में बहुत सारी कॉन्ट्रोडिक्टी फीचर है पहला कॉन्ट्रोडिक्टी फीचर ये है कि हम एक्सक्लूजन पर फोकस कर रहे हैं ना कि इंक्लूजन पे तो प्रेजेंट जंक्चर इज मार्क अटेम्प्ट्स टू तो श्रिंक द नेशन टू वन कम्युनिटी दिस टेंस टू तो रिजल्ट इन एक्सक्लूजन राधर देन इंक्लूजन तो हम यहाँ पर एक कम्युनिटी के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो नेशन एंड विजन सेवेंटी फाइव ईयर्स अगो वो सर्टेनली नॉट कन्फाइन टू एनी वन कम्युनिटी लेकिन जो एंटायर नेशनलिस्ट रेटोरिक है दैट इज मार्क बाई एक्सक्लूजन तो पहला पॉइंट ने ये कहा है कि अगर हम वी द पीपल की बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर वी द पीपल की बात करता है प्रियांबल वी द पीपल की बात करता है वो यहाँ पर वी द पीपल में सिर्फ सेलेक्ट को ही यहाँ पर फोकस किया जा रहा है सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए ही वी पीपल तो यूज नहीं किया गया है द फेमस फ्रेज बी पीपल विल कंटिन्यू टू बी इन वोट बट इट विल रेफर टू ओनली अ सेलेक्ट सेक्शन एज द पीपल फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे बताया गया है कि एक हेराकी बना दी गई है कि ऊपर नेशन है उसके नीचे डेमोक्रेसी तो नेशन सबसे ऊपर डेमोक्रेसी उसके नीचे लेकिन नेशन और डेमोक्रेसी साइमल्टेनियस होना चाहिए ना कि नेशन को अपने हैराती में ऊपर रख दे और डेमोक्रेसी को अपने नीचे रख दे अगर आप ऐसा करते हो तो लोगों से आप उनकी एजेंसी छीन रहे हो तो, तो दिस ऑल्सो अंडर माइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द आइडिया ऑफ द पीपल बिकॉज वंस डेमोक्रेसी साइडलेंट तो लोग सिर्फ नेशन के कॉन्स्टिट्यूंस रहेंगे ना कि लोग एक एजेंसी होगी लोगों के पास रान इज हैविंग एजेंसी तो ये ऑप्शन ने दूसरा पॉइंट बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर नेशन को ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है डेमोक्रेसी को उससे नीचे तीसरी बात यहाँ पर यह बताई गई है जो इंस्टीट्यूशन है इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है और इंस्टीट्यूशन की ऑटोनमी को खत्म किया जा रहा है और ये नहीं है कि इसी गवर्नमेंट में ऐसा किया जा रहा है इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट्स थी वो भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की को खत्म ही करना चाहते थे तो थर्ड डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन वेब ऑफ इंस्टीट्यूशन तो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इतने सारे इंस्टीट्यूशन बना के दिए उसके बाद पार्लियामेंट के द्वारा इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए आयरोनिकली अ मेजॉरिटी ऑफ द न्यू इंस्टीट्यूशंस वी क्रिएट एंड टू सर्व द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग सिटीजंस और जो हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं वो यहाँ पर लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं जो एनेबलिंग रोल इंस्टीट्यूशंस का वो पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो रहा है एज वी विटनेस अस इन मोस्ट इंस्टीट्यूशन वी मस्ट ऑल्सो एडमिट दैट इवन इन द पाट देर हैज बी अ फेलियर टू इंश्योर ऑटोनमी और एफिशियंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस तो ये इस गवर्नमेंट में नहीं है इससे पहले भी यही होता था तो पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है इन द फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन फोर्थ यहाँ पर पॉइंट है अडल्ट सफरेज तो है तो आर पॉलिटिक्स इज बाय डीप इक्वालिटी तो यहां पर अडल्ट सफ्टिज तो है लेकिन पॉलिटिक्स में अभी भी डीप इन है फॉर एग्जाम्पल इंडिया में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है तो पॉलिटिक्स में भी आपको पर नेपोटिज्म मिल जाएगा तो वन वे ऑफ द पब्लिक अरीना इज द फैमिली रूट लेकिन एक कॉमन मैन को अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो उसके लिए जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसके अलावा जो पॉलिटिकल क्लास है उसने अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लिया है फ्रॉम द सिटीजन तो पॉलिटिकल क्लास हैज कॉन्स्टिट्यूटेड है स्पेशल कैटेगरी जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है और ऑर्डनरी लोग इस

सिंस इंडिया हैज बीन स्ट्राइविंग टू टू अ कॉम्प्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम तो इसके लिए भोर कमिटी रिपोर्ट 1946 फोर्टी करतार सिंह कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1973 फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आता है 2005 का फिर आयुष्मान भारत मिशन आता है हज़ार का फिर यहाँ पर ऑचर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात की है, जो कि एक गेम चेंजर था थ्री फोल्ड इंक्रीज हुआ था बजट में मिशन यहाँ पर मिशन सेट स्टैंडर्ड्स किए गए थे कि बेसिकली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ह्यूमन रिसोर्सेज और सर्विस डिलीवरी यहाँ पर इंश्योर करनी है और उसकी वजह से सब्सटैशियल गेंस हुआ फॉर एक्जाम्पल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इंक्रीज हो गई फोर्टी वन परसेंट से एटी नाइन परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन मेटर्नल मोटैलिटी रेट फोर जीरो सेवन पर वन लैख वुमेन से कम होकर हो गया एक सौ तेरह इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट फिफ्टी एट पर वन थाउजेंड लाइफ बॉय से कम होकर हो गया ट्वेंटी एट पर उेंड लाइफ बोट्स विद इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स डायग्नोस्टिक और डॉक्टर्स जो हेल्थ केयर सिस्टम का फुटफॉल है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की वजह से यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए लेकिन डिस्पाइट दीज एफ हाउर लेस देन टेन परसेंट दैसिलिटी जो है वो यहाँ पर आई पी एच एस को मैच कर दी आई पी एच एस क्या है इंडियन पब्लिक वन रीजन फॉर क्या है कि जो सरकार है वो सिर्फ वन पॉइंट वन परसेंट ऑफ द जीडीपी की स्पेंडिंग करती है एज अ रिजल्ट केयर सिस्टम है उसमें गैप्स और डिफिशेंसीज हैं जिनको चेंज करने की जरूरत है कोविड पेंडेमिक के दौरान हमें यह पता चला कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वाइटली बिगन द रिफॉर्म प्रोसेस तो 2014 में केरला ने रिफॉर्म करना शुरू किया रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्टेड एक्सेप्टेंस ऑफ द बेसिक बट ऑफन इग्नोट फैक्ट कि यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो कम्युनिटी की नीड्स को तो facility, की को करे करे तो फैसिलिटी कम्युनिटी की नीड्स और उसके लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइज करना है कि कोल्ड ईयर ओल्ड सी स्ट्रक्चर जो है उसके पास इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है क्रोनिक डिजीज को मैनेज करने के लिए तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है जो कि केरला ने स्टार्ट किया अ सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशन फॉर मीट फॉर एग्जाम्पल यहां पर टाइमिंग्स को चेंज किया गया रीडिजाइन किया गया सेंटर्स को इसके अलावा फैसिलिटीज के साथ इक्विप किया गया सेंटर्स को जो यहाँ पर पेशेंट्स हैं, जब जरूरत लगी उनको यहाँ पर रेफर भी किया गया तो रेफरल ऑफ पेशेंट्स टू तो हायर लेवल्स ऑफ केयर एंड एंश्योरिंग पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फॉलोअप्स तो यहाँ पर केरला में पी में रिफॉर्म्स हुए कॉम्प्रेनसिव अप्रोच हैज़ बीन इनेबल्ड बाई अ ट्राई पार्टनरशिप जो कि केरला में बिटवीन द स्टेट्स हेल्थ डिपार्टमेंट वुमेंस कलेक्टिव एंड कम्युनिटी लेवल बॉडीज अब स्टेट का टास्क हाउवर अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है इन अदर वर्ड्स जो डॉक्टर्स हैं पैरामेडिक्स हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको रिस्पांसिबल होना चाहिए फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एवरी मेंबर जो कि उस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में आते हैं अब यहाँ पर इंसान बीमार हो जाए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाए उससे पहले ये कोशिश की जाए कि लोगों में यहाँ पर लाइफ चेंजेस कराए जाए जिसकी वजह से बीमारी कम से कम हो सच interventions कैन be पर्टिकुलरली यूजफुल इन reducing द इंसुलिन डिपेंडेंस ऑफ a डायबिटिक थ्रू साउंड केस मैनेजमेंट क्योंकि यहाँ पर कुछ डिजीज होती हैं जो कि लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से होती हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन लो डाइट करो एक्सरसाइज करो योगा करो तो आप यहाँ पर ठीक हो सकते हो आप प्रो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम सच एज दिस कैन हेल्प अर्ली इन द डायग्नोसिस और इसे हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होगा और इसकी वजह से जो प्रेशर है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर वो भी यहाँ पर कम होगा बट देन वॉट केरलाइज अटेम्प्टिंग इज नॉट वॉट बिहार यूपी और असम शुड डू क्योंकि यहाँ पर सब स्टेट्स की प्रॉब्लम अलग है किसी स्टेट में किसी और डिजीज का बर्डन ज्यादा है तो इंटरस्टेट डिफरेंश इन मॉरबिलिटी पैटर्न आर वाइड इन हेल्थ सिस्टम नीड्स टू बी टूट अकॉर्डिंग टू स्टेट्स डिजीज बर्डन तो नेशनल पॉलिसी इसके लिए होने की जरूरत है क्योंकि एक सिंगल सिस्टम आप हर जगह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो दूनर द सेंटर एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डिसेंट्रलाइजेशन और उसके बाद ही हमें इनोवेशन देखने को मिलेगा बाई द स्टेट्स नेक्स्ट है यहाँ पर लेबर एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स अब इंडिया में जॉब्स नहीं है अगर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट है भी तो बेसिकली गुड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है पोअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा वनरेबल जॉब्स हैं जिसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं तो डोमिनंट थियोरी इन यूज़ क्या है कि इंडिया में इंप्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा तो बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगी तो इवेस्टर इन्वेस्ट invest करेगा इनवेस्टर इन्वेस्ट invest करेगा तो यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी द डोमिनट थियोरी इन यूज टू इंक्रीज इंप्लॉयमेंट इज़ टू इंप्रू द ईज ऑफ़ डूंग बिजनेस और अगर डूइंग बिजनेस का आसान होगा यहाँ पर बिजनेस करना तो उसकी वजह से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आएंगे बिजनेसिस में इन्वेस्टमेंट आएंगे तो फॉर्मल इंटरप्राइजेस जो होंगे जो कि नई तरीके की जॉब्स को क्रिएट करेंगे और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा अब इसके लिए इन्वेस्टमेंट आई तो उसके लिए ये एक पॉइंट होता था कि लेबर जो लेबर के यहाँ पर प्रोसेस है उनको आपको ईज करने की जरूरत है तो लेबर रिफॉर्म्स करने की जरूरत है तो लेबर लॉज में रिफॉर्म हुए इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी यूपी के टाइम में तो उस समय भी यहां पर रिफॉर्म्स हुए देयर फॉर द एनडीए गवर्नमेंट बिकेम बोल्डर इन 2014 एंड मूव टू रिफॉर्म द कंटेंट ऑफ द लॉस लेकिन एनडीए गवर्नमेंट ने यहां पर कंटेंट को भी यहां पर रिफॉर्म किया अब क्या उस रिफॉर्म के बाद चेंज हुआ है क्या जॉब्स क्रिएट हुई वो ने एक रिपोर्ट को हाँ पर डिस्कस किया तो वो हम डिस्कस करेंगे तो गवर्नमेंट डिजाइन अ फ्रेमवर्क फॉर रिफॉर्म्स एंड सिंस लेबर स्टेट सब्जेक्ट तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एनकरेज किया स्टेट को क्या रिफॉर्म करो राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिफॉर्म किया और अपने लेबर लॉस को बहुत ज्यादा लिबरलाइज कर दिया लेबर लॉस कवर मेनी सब्जेक्ट्स पेमेंट ऑफ सेफ्टी कंडीशन सोशल सिक्योरिटी और ये जो रिपोर्ट है दो से पांच तक चार पाँच से लेकर दो हज़ार अठारह उन्नीस के टाइम पीरियड को देखती है इट फोकसज ऑन सिक्स स्टेट्स जहाँ पर लेबर रिफॉर्म्स किए गए अब अगर हम देखें तो क्या लेबर रिफॉर्म्स करने के बाद जॉब ज़्यादा क्रिएट हुई तो रीडिंग थ्रू द रिपोर्ट वन कंक्लूजन इज़ अनमिस्टेकेबल रिफॉर्म्स ऑफ लेबर लॉस हैव एड लिटिल इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज एंटरप्राइजेज तो लार्ज एंटरप्राइजेज में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट तो तो नहीं इंक्रीज हुआ रिपोर्ट का ये कहना है कि अभी लेबर रिफॉर्म्स के इफेक्ट को पता नहीं किया जा सकता है अभी इसके बारे में पता करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो रिपोर्ट सेज़ दैट द इफेक्ट्स ऑफ द लेबर रिफॉर्म्स कांट बी रिविल इमीडिएटली दे विल टेक टाइम फॉर एग्जांपल अब ऑथर ने यहाँ पर क्वेश्चन किया कि राजस्थान में ने दो हज़ार चार में रिफॉर्म्स कर दिया है और आपको अभी तक नहीं पता चल पा रहा है कि उसका क्या यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस हुआ है इनफैक्ट द रिपोर्ट सेज एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल एंटरप्राइजेस ज़्यादातर इनफॉर्मल बन रहा है क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मल इंटरप्राइजेस हैं वो क्या कर रहे हैं लार्ज इन्वेस्टर्स कैन अफोर्ड टू यूज मोर कैपिटल एंड ऑल्सो इंप्लॉइंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट जिनकी वजह से वो उनको ईजिली फायर कर सके एक बार कॉन्ट्रैक्ट खत्म उसके बाद आप जाओ तो यहाँ पर फॉर्मल जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं रिफॉर्म्स के बाद भी तो रिपोर्ट डिफाइंस फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट किसको डिफाइन किया जा रहा है सिर्फ थोड़ा बहुत सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है पेड लीव मिल जा रही है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पर रिपोर्ट ने डिफाइन कर दिया कि ये फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इसको यहाँ पर बताया गया उसके बाद भी यहाँ पर इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है एंड एंटरप्राइज शुड नॉट हैव टू एम्प्लॉय मोर देन थ्री बिफोर इट प्रोवाइड्स दीज बेनिफिट्स और उसके बाद भी अगर सिर्फ आपको कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने उसके लिए भी यहाँ पर तीन होंगे उसके बाद ही प्रोवाइड करने उससे पहले प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है द क्वेश्चन द रिपोर्ट लीवस अनऑंसर्ड कि इन रिफॉर्म्स का लेबर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है आफ्टर ऑल द प्राइमरी पर्पज ऑफ लेबर लॉज की आपको लेबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है लेकिन जो फोकस किया जा रहा है वो सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए फोकस किया जा रहा है द गैप बिटवीन वेयर आर इकॉनमी इज एंड वेयर इट नीड्स टू बी इंक्रीजिंग तो हमारी इकॉनमी जहां पर है और जहां पर होना चाहिए वो गैप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उन्नीस सौ अस्सी से उन्नीस सौ नब्बे में अगर हमारा जी डी पी एक परसेंट इंक्रीज होता था तो दो लाख जॉब्स क्रिएट होती थी उन्नीस सौ नब्बे से दो हजार में अगर हमारा जी डी पी एक परसेंट इंक्रीज होता था तो एक लाख जॉब क्रिएट होती थी आज दो हजार से दो हज़ार दस तक अगर हमारा जी डी पी एक परसेंट इंक्रीज हुआ है तो सिर्फ आधा लाख जॉब्स यहाँ पर क्रिएट हुए हैं तो फंडामेंटल रिफॉर्म्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में चेंज करने की जरूरत है मोर जी डी पी का मतलब ये नहीं है कि नीचे वाले जो लोग हैं उनकी यहाँ पर इनकम इंक्रीज होगी एंड द पैराडाइम ड्राइविंग लेबर लाइवलीहुड्स और इसके लिए फंडामेंटल रिफॉर्म करने की जरूरत है तो कि सिर्फ आप यहां पर फोकस करो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट आएगा जॉब्स क्रिएट होगी आप भी तो देखो कि जॉब्स किस तरीके की क्रिएट हो रही है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिल रहा है ज्यादातर यहां पर इनफॉर्मलाइजेशन होता जा रहा है तो ऑचर ने ये यहां पर क्वेश्चन किया है अब हम आगे चलते हैं ईरान ने एक्सेप्ट ई यू प्रोपोजल टू रिवाइव न्यूक्लियर डील तो जे सी पी ओ एग्रीमेंट जिससे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बाहर आ गए थे तो ईरान यहाँ पर रजी है कि न्यूक्लियर डील को रिवाइव किया जा सकता है लेकिन ईरान की भी यहाँ पर कुछ कंडीशन है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई नया यू एस प्रेसिडेंट है और वो वापस से डील को बाहर निकाले वापस से खुद को डील को बाहर निकाल तो ये बिल्कुल नहीं चाहता ईरान तो ईरान वॉन्ट्स अ गारंटी दट नो फ्यूचर यू एस प्रेसिडेंट वुड रेन ऑन द डी लाइक ट्रम्प डेट इन ट्वेंटी एटीन इट इज़ ऑल्सो पुशिंग फॉर नेगोशेटर्स टू इंक्लूड की जो भी सैक्शन है के ऊपर वो यहाँ पर हटा जाए अब हम चलते हैं आगे सेल्फ रेगुलेशन डिवाइड अमंग बिग टेक फर्म्स ऑन वे फॉरवर्ड तो ये कल हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम एक पैनल बना दें जो कि सोशल मीडिया यूजर्स की जो भी कंप्लेंट्स से रिगार्डिंग कंटेंट मॉडरेशन वो डिसाइड करे या तो आप खुद से एक सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बना लो तो फेसबुक उसके अगेंस्ट था स्नैप भी उसके अगेंस्ट है तो देर इज ग्रोइंग डिवाइड अमंग इंटरनेट कंपनीज ऑन सेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी टू एड्रेस कंप्लेन फाई सोशल मीडिया यूजर्स तो सरकार ने कहा था एक तो हम सेंट्रस गृहवान सपिलेट कमिटी बना देते नहीं तो आपके पास ऑप्शन है आप यहाँ पर सेल्फ रेगुलटरी बॉडी बना लो तो यही न्यूज है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कल भी क्रोनिक फटीक सिंड्रोम तो कल हमने यूथनेशिया का एक टॉपिक डिस्कस किया था तो यूथेनेशिया में एक पर्सन जिसको क्रोनिक फटीक सिंड्रोम था वो यूरोप में जाकर यहाँ पर यूथिनेशिया करवाना चाहता है तो क्रोनिक फटीक सिंड्रोम क्या डिजीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं ऑल्सो नोन एज माइलजिक एनसेफेलोमाइलेटिस क्रोनिक फटीक सिंड्रोम इज़ अ सीरियस एंड डेविलिटेटिंग डिजीज जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम यहाँ पर अफेक्ट होता है और बॉडी जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पाती द इम्यून सिस्टम एंड द बॉडीज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और टाइम के साथ ये डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फेटल होती जाती है हाउ एवर जो पोटेंशियल ट्रिगर से नहीं पता है, हो सकता वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती हो या हार्मोनल इंबैलेंसेस की वजह से होती हो या जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन की वजह से होती है कोई इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है मेडिकल एग्जामिनेशन से कुछ पता करने की कोशिश की जाती है और ये किसी को भी अफेक्ट कर सकता है किसी भी एज ग्रुप के तो इससे ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है अब हम चलते हैं आगे इंडियाज़ नेटो एंगेजमेंट तो इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई की थी कि दो हज़ार उन्नीस में इंडिया ने नेटो के साथ एंगेज किया था फिर यहाँ पर ये बताया गया नेटो क्या है तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलाइंस है अट्ठाईस यूरोपियन कंट्रीज की और दो कंट्रीज जो कि नॉर्थ अमेरिका के हैं नाइनटीन फोर्टी नाइन में उसको सेटअप किया गया था बाई द यूएस कैनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन और ये कलेक्टिव सिक्योरिटी थे अगेंस्ट द सोवियत यूनियन और हेडक्वार्टर का है नेटो के तो हेडक्वार्टर है नेटो का ब्रूसल्स बेल्जियम में और नेटो में तीस मेंबर हैं वॉट इज़ नेटोज कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल तो कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल ये है कि नेटो के मेंबर में अगर किसी भी मेंबर के अगेंस्ट अटैक होता है तो वो ये माना जाएगा कि सारे मेंबर्स के अगेंस्ट अटैक है और यहाँ पर सारे मेंबर्स आ जाएंगे प्रोटेक्ट करने के लिए उस मेंबर को तो मेंबर्स ऑफ नेटो आर कमिटेड टू म्यूचुअल डिफेंस इन रिस्पांस टू एन अटैक बाई एनी एक्सटर्नल पार्टी कलेक्टिव डिफेंस लाइज एट द वेरी हार्ट ऑफ नेटो और आर्टिकल फाइव नेटो का यह कहता द पार्टीज एग्री दैट कि अगर आर्म्ड अटैक होता अगेंस्ट वन और मोर ऑफ द इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तो उसको अटैक माना जाएगा सब मेंबर्स के अगेंस्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली दे एग्री दैट अगर ऐसा कुछ आर्म्ड अटैक है तो बेसिकली ये लोग रिटेलिएट करेंगे और उस पार्टी को असिस्ट करेंगे हाउ डिड इट बिगे दौरान जब यूरोपियन नेशंस अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे तो यूएस विच बिलीव डेट एन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग री आर्म और इंटीग्रेटेड यूरोप की जरूरत है अगर हमें यूएसएसर जो कि कम्युनिस्ट यूएसएसर है उसके वेस्टवर्ड एक्सपेंशन को रोकना है तब यूएस को लग रहा है कि नेटो जैसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होने की जरूरत है द यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम जिसको यहाँ पर मार्शल प्लान के नाम से भी जानते हैं इट प्रोमोटेड द कि शेयर्ड इंटरेस्ट होने चाहिए यूएस और यूरोप के बीच में यूएसएसआर ने डिक्लाइन कर दिया कि वो यहाँ पर मार्शल प्लान में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और यूएसएसआर ने जो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं उनको भी डिस्करेज किया कि आपको यू से इकोनॉमिक असिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है फिर कुछ इवेंट्स होते हैं कुछ इवेंट्स के बाद यहाँ पर, पर यूएस को ये लगता है कि अमेरिकन यूरोपियन अलाइंस बहुत जरूरी है यू के अगेंस्ट तो यूरोपियंस टू वर कन्विस्ड कि हाँ यहाँ पर एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सल्यूशन होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर नेचो को बनाया जाता है द ट्रिटी वॉज साइन इन वॉशिंगटन डी सी तो initially इसमें ट्वेल्व signatories होते हैं द यू एस Canada, France, Denmark, फ्रांस डेनमार्क बेल्जियम Netherlands, Italy, Iceland इटली आइसलैंड एंड लक्समबर्ग तो इंडिया यहाँ पर क्यों engage कर रहा है नेटो के साथ तो यहाँ पर नेटो का engagement फॉर एग्जाम्पल चाइना के साथ चल रहा है पाकिस्तान के साथ चल रहा है और इंडिया अपना भी पर्स्पेक्टिव बताना चाहता था रिगार्डिंग रीजनल इशूज इसीलिए हम भी यहाँ पर engage कर रहे हैं विद नेटो और वैसे भी जो इंडिया की स्ट्रेटी है दैट इज मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी इसलिए हम यहाँ पर यूरोपियन कंट्री से भी बातचीत कर रहे हैं वे इंडिया हैज मूव क्लोजर स्ट्रेटजिकली टुवर्ड्स द यूएस इट्स एंगेजमेंट विद द यूरोपियन कंट्रीज हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म फॉर एग्जांपल फ्रांस के साथ जो हमारी टाइज है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। हैं द ट्रेजिक्ट्री ऑफ स्ट्रेटिक टाइज विद फ्रांस इज मच अहेड ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज बट इंडिया स्टॉक विद ने होल्ड सिग्निफिकेंस क्योंकि जो नॉर्थ एटलांटिक अलायंस है वो इंगेज कर रहा है बोथ चाइना एंड पाकिस्तान इन बाई डायलॉग अब हम चलते हैं आगे तो सलमान रश् के बारे में ही ये आर्टिकल है तो सैटेनिक वर्स इनकी किताब थी नाइनटीन एशी एट में पब्लिश हुई थी और इनको बुकर प्राइज भी मिला है फॉर हिज मिड नाइट चिल्ड्रन हैज़ फेस्ड इन न्यूमरेबल थ्रेड्स टू हिज लाइफ क्योंकि यहाँ पर जो एतला खमनी है उन्होंने फतवा जारी कर दिया था इनके अगेंस्ट फॉर इंसल्टिंग इस्लाम एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने रीड किया तो फर्स्ट पेज पर हमने फरान रशि वाली न्यूज़ रीड की थी फिर सेकंड में इन्फ्लेशन कितना रहा है तो 6.71 परसेंट रहा है आरबीआई को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता बिटवीन टू टू सिक्स परसेंट लेकिन उससे तो ज़्यादा ही रहा है इन्फ्लेशन तो अगर यहाँ पर आरबीआई थ्री कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स तक इन्फ्लेशन को टू से सिक्स के बीच में नहीं मेंटेन कर पाता इसका मतलब यह है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को मेंटेन करने में फेल हो गया और आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आरबीआई क्यों फेल हो गया और आरबीआई बी आई पर इंफ्लेशन को क्यों नहीं मेटेन कर पाया इंडिया का क्या स्टैंडर्ड है तो इंडिया ने बेसिकली यही कहा है चाइना को कि जो चाइना है वो यहाँ पर स्टेटस को चेंज करने की कोशिश ना करे और कोई भी यहाँ पर यूनी लीचर ना ले इंडिया ने यहाँ पर अपनी वन चाइना पॉलिसी को री नहीं किया और इंडिया ने बेसिकली यही कहा कि हमारी पॉलिसी सबको पता है हमें बार बार रीइट्रीट करने की जरूरत नहीं है फिर यहाँ पर इंडिया ने चाइना को स्नप किया है क्योंकि चाइना यहाँ पर टेक्निकल होल्ड लगा दे रहा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो अजर है उसको हम यहाँ पर क्लासीफाई करवाना चाहते हैं ग्लोबल टेररिस्ट इसके अलावा अब्दुल रहमान मक्की को हम यहाँ पर ग्लोबल टेररिस्ट की तरह यहाँ पर क्लासीफाई करवाना चाहते हैं यू एन एस सी की वन टू सिक्स कमेटी में जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ चाइना क्योंकि चाइना यहाँ पर इस्लामाबाद बेस्ड टेरिस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है नेक्स्ट टाइम पर एलिफेंट और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट के रीजन जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं अब एक नया एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है जो कि अगस्त मलाई जो कि तमिलनाडु में और इंडिया के थर्टी सेकेंड एलिफेंट रिजर्व होगा नेक्स्ट हम चलते हैं आगे तो यहाँ पर हमारी डेमोक्रेसी के कॉन्ट्रोडिक्ट्री फीचर्स बताए गए हैं तो सबसे पहले कॉन्ट्रोडिक्टी फीचर्स क्या है कि हम यहाँ पर एक्सक्लूजन पे फोकस करें रादर देन इंक्लूजन फिर दूसरी बात ये बताई गई है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनको वीक करने की कोशिश की जा रही है इंस्टीट्यूशन में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है हमने एक हैरान क्रिएट कर दी कि नेशन जो है सबसे ऊपर है उसके नीचे डेमोक्रेसी जबकि नेशन और डेमोक्रेसी साथ में होना चाहिए फिर एडल्ट सफ्रेश तो है लेकिन पॉलिटिक्स में अगर किसी को जाना तो उसके लिए बहुत मुश्किल होना होता है फॉर एक्जाम्पल या तो नेपोटिज्म हो तब तो वो आसानी से जा सकता है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो लेकिन खुद से पॉलिटिक्स में जाना बहुत मुश्किल होता है इस के अलावा जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने अपनी एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ क्लास क्रिएट कर ली जो कि ऑर्डिनरी सिटीजन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है इसके अलावा यहां पर कम्युनिटीज़ को ऊपर देखा जाता है और जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनको उससे नीचे देखा जाता है दैट इज़ द प्रॉब्लम नेक्स्ट प्राइमरी हेल्थ केयर तो यहाँ पर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की तारीफ की गई है कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस है फॉर एग्जाम्पल यहां पर मटनल मॉटालिटी रेट बहुत ज्यादा कम हो गया इसके अलावा इन्फेंट मोटेलिटी रेट यहां पर कम हो गया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एटी नाइन परसेंट हो गई है तो केरला ने यहाँ पर रिफॉर्म करना शुरू किया के, तो केरला में चेंजेस आए हैं लेकिन और भी स्टेट्स को रिफॉर्म करने की जरूरत है तो उसके लिए सेंटर को यह बात समझ कि डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस करें और स्टेट्स को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इनोवेट करने दिया जाए नेक्स्ट लेबर एंड इट्स डिस्काउंटेंट तो इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए लेबर लॉस में रिफॉर्म किया गया लेकिन यहाँ पर जो लेबर लॉस में रिफॉर्म किया गया वो मोस्टली यहाँ पर फेवर में थे फॉर द इन्वेस्टर्स। लेकिन उसकी वजह से भी हम देखें तो इंडिया में जॉब्स क्रिएट हुई हैं तो जो जॉब्स क्रिएट हुई हैं वो यहाँ पर बेसिकली फॉर्मल जॉब्स क्रिएट नहीं हुए इनफॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुए हैं जिसकी वजह से कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हुई लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स को ज़रूर फायदा हो गया है बिजनेस पर्सनस को ज़रूर फायदा हो गया तो ऑप्शन ने बेसिकली यही कही कि अगर आपको लेबर लॉस में रिफॉर्म करने हैं तो अगर उसका कोई इंपैक्ट हो रहा है तब तो आप करो लेकिन अगर उसका कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर जो डिग्निफाइड लाइफ है वो भी यहाँ पर लेबर नहीं जी पा रहा है दैन देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग लेबर रिफॉर्म्स अब हम चलते हैं आगे तो न्यूक्लियर डील ईरान हो सकता है रिवाइव कर ले फिर सेल्फ रेगुलेशन तो यहाँ पर जो फेसबुक और स्नैप है वो उसके अगेंस्ट है कि हमें सेल्फ रेगुलेशन नहीं चाहिए गवर्नमेंट अपनी ही बॉडी बना दे फिर क्रोनिक फटीक सिंड्रोम भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो नर्वस सिस्टम है वो यहाँ पर नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन होने लगता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है इंडियाज़ नेटो एंगेजमेंट तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ पर जिसमें अट्ठाईस यूरोपियन कंट्रीज है दो कंट्रीज़ नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा 1949 में बनी थी और इसके इनिशियली 12 बारह थे हेड हेडक्वार्टर्स का ब्रूजल बेल्जियम में है इंडिया नेटो के साथ यहाँ पर बातचीत कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि हमारी मल्टी अलाइमेंट की स्ट्रेटी हम यहाँ पर यूएस के साथ भी इंगेज कर रहे हैं हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ भी इंगेज कर रहे हैं इसके अलावा हम चाइना के साथ भी बायलेटरल इशूज के ऊपर बातचीत करते हैं हम रशिया के साथ भी इंगेज कर रहे हैं तो हमारी मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटी इसलिए हम यहाँ पर नेटो से ही बात कर रहे हैं ये आपने डिस्कस कर लिया तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड अव नाइस डे